तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कि इसमें कहता है कि जनरली जो रेनबो होती है ठीक है ना, वो उसमें हम देखे होंगे रेनबो बचपन में, ठीक है, बचपन नहीं अभी भी देखे होंगे, अभी भी बनता है ठीक है। तो यहाँ से जो रेनबो है, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो किसकी वजह से बनता है, क्या उसमें स्केटरिंग होती है, स्केटरिंग क्या होती है, स्केटरिंग होती है जैसे अपना ये प्यारा सा सन है ठीक है, और सन से अगर कोई लाइट रे आती है और कोई पार्टिकल ऑब्जॉर्व कर लेता है और दोबारा री इमिट करता है उस लाइट को, तो उसको स्केटरिंग बोलते हैं। रिफ्रैक्शन आई वो पड़े हुए, तो स्केटरिंग नहीं होता, रिफ्रैक्शन ज़रूर होता है। जैसे ये वाटर ड्रॉप है, ये सन है, तो सन यहाँ से, सन से जो लाइट रे आ रही है ये कहाँ जाएगी, ऑब्जर्वर के आँखों में, इधर मैं आँखें फाड़ के देख रहा इंसान, तो ये यहाँ से तुम देखोगे तो ऑब्जर्व लाइट रे आई, यहाँ वाइट थी, वाइट लाइट रे आई और यहाँ से जो जैसे ही पानी की बूंद पे पड़ेगी वो स्प्लिट हो जाएगी ठीक ना, वो सेवन कलर में जनरली डिस्पर स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है वहाँ पे डिस्पर्जन तो हुआ है और साथ साथ वो टुआर्ड द नॉर्मल मुड़ी है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन भी हुआ, तो डिस्पर्जन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि स्केटरिंग नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन। अब यहाँ से जो लाइट रे रेनबो होने के लिए, अगर यहाँ से लाइट रे इधर को चली जाती तो इधर को चली जाती तो यहाँ से दोबारा रिफ्रैक्शन हो जाता और लाइट रे यहाँ नहीं, तो ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तो बी ऑप्शन सही है, इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन भी होता है ठीक है। वनली रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये गलत है, और वनली डिफ्रेक्शन नहीं होता है, डिस्पर्जन होता है। तो रेनबो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन होता है रेनबो में, रिफ्लेक्शन होता है ठीक है ना, ठीक है समझ रहे, रिफ्लेक्शन मतलब TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और डिस्पर्जन होता है, ये तीनों फिनोमिनन होते हैं अपने रेनबो में। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।